अपने और पानी कब और किस वक्त एक साथ हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता, और एक साथ होने के लिए एक सुराग ही मामूली सा काफी है। कि पानी को भी आपने देखा होगा, एक मामूली सुराग से वो एक समंदर ढूंढ लेता है, और अपने भी एक छोटी सी बात को लेकर कई जन्मों के बेर बुलाकर वापस एक साथ हो सकते हैं। वही आपको बताया चले तो अभी बहुजन समाज ये एक मांग कर रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और राजा समाज पार्टी एक साथ आए, इसी बात को तुल देने को लेकर लेटेस्ट मामला है, जहां पर चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की जमकर तारीफ की। साथ ही आपको चले तो मायावती को लेकर उन्होंने एक टीवी एंकर को भी लताड़ दिया। दरअसल आपको बताया चले तो पूरा मामला इस प्रकार से है कि एक टीवी निजी इंटरव्यू में चंद्रशेखर आजाद इंटरव्यू देने बैठे थे, और बार बार महिला एंकर के द्वारा बसपा सुप्रीमो मायावती को दलित नेता कहकर बुलाया जा रहा था, और चंद्रशेखर आजाद को भी दलित नेता कहकर बुलाया जा रहा। इसी पर चंद्रशेखर आजाद का गुस्सा आया और चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आप बार बार माननीय बहन जी को दलित नेता कहकर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सर्व समाज के लिए कर काम किया है, और वो दलितों की नेता नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की नेता है, और पूरे देश की वो महिला का नेतृत्व करती है। तो उनको बार बार आपके से मानसिकता हो चुकी है कि वो सिर्फ एक दलित नेता है, और अगर आप अगर उनको देखेंगे तो उन्होंने अपने समाज के अंदर जो प्रतिनिधित्व दिया है वो हर वर्ग को दिया है। यहाँ पर ब्राह्मण समाज को अपनी पार्टी के अंदर, ब्राह्मण समाज, मुस्लिम समाज, क्षेत्रीय समाज, तमाम पदों पर, अपने बड़े बड़े पदों पर उन्होंने समाज सर्व समाज का उम्मीदवार दिया, उनको प्रतिनिधित्व दिया। तो आप बार बार उनको दलित नेता कहकर बिल्कुल भी संबोधित नहीं करते। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं भी एक दलित का बेटा हूं, हालांकि मुझे आपको देखिए 16 लाख वोटों ने, मतदाताओं ने वोट किया है, तो मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं कोई दलित नेता नहीं हूं। यानी कि आप खासकर मान सकते हैं, उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने शासनकाल में बेहतरीन काम किया, और अभी भी उनका जो एक MLA है वह भी क्षेत्रीय समाज का है। तो आप बार बार बसपा सुप्रीमो मायावती को दलित नेता कहकर नहीं पुकार सकते, ये मेरा बोल नहीं है, ये चंद्रशेखर आजाद का है। जब उन्होंने एक टीवी निजी इंटरव्यू के अंदर एक महिला पत्रकार के सामने, वार्ता के सामने कही थी, ये बड़ी खबर आपको बताया चले तो। अब इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर चंद्रशेखर आजाद को अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई देता, और पानी और ऐसे अपने होते हैं जो कब और कहां मिल जाते हैं इसका पता नहीं चलता है। यह आपको बताया चले तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हो या आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता हो, ये चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव तो अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां एक साथ आए, और अखिलेश यादव जो दलितों से नफरत करते हुए नजर आते हैं उनको एक बार फिर से आईना दिखाया जाए, और दलित समाज की अहमियत उनको समझाए। मिलते हैं नए वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक लेते हैं विदा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना बिल्कुल भी ना भूले।